अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब के? आई होप के सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ विंस क्रीम का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दिया करें, और अगर कुछ पूछना हुआ करें तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ भी लिया करें। अच्छा, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी कोई आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो सनब्लॉक ज़रूर यूज़ किया करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं विंस लाइटनिंग क्रीम के बारे में। मैंने ये क्रीम एक महीने से ज़्यादा यूज़ की, और अब मैं आपके साथ इस क्रीम का रिव्यू दे रही हूँ, ताकि आप जब भी इसे परचेज करें तो आपके लिए आसानी हो। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की पैकिंग में आती है। अगर आप चाहें इसे आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। मैंने इसे इम्तियाज़ सुपरमार्केट से बाय किया था। मुझे ये क्रीम किसी ने बताई थी कि बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है, लाइटनिंग क्रीम है, और आपके सारे मसले इस क्रीम से सॉल्व हो जाएंगे। ये क्रीम आप एज अ गुड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। जिसने ये क्रीम यूज़ की है मुझे कमेंट करिएगा प्लीज़, कि आप लोगों को ये क्रीम कैसी लगी और आपको इसका कितना रिज़ल्ट मिला है। अच्छा, अब आते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ। जब मैंने ये क्रीम यूज़ की तो मुझे इसके रिज़ल्ट कितने मिले, क्या मैं ये नेक्स्ट इस क्रीम को यूज़ करूँगी कि नहीं। फ्रेंड्स, एक बात तो मैं आपको बता देती हूँ, ये कोई फार्मूला क्रीम नहीं है जो 3-4 दिन में आपके का फेस बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये इस तरह की क्रीम नहीं है। अगर आपने इस तरह की कोई क्रीम यूज़ की है तो आपके फेस पर ये वर्क भी नहीं करेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह की बोतल में है, ये इस तरह का इसका केप है। इस क्रीम के जितने पैसे हैं उसके हिसाब से इसके उतने रिज़ल्ट नहीं हैं, मुझे इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं मिले हैं। ये क्रीम कोई वाइटनिंग नहीं देगी आपको। इस क्रीम की जो हकीकत है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस क्रीम ने मेरे फेस पर कोई वाइटनिंग इफ़ेक्ट नहीं दिया। समझ लें, जिस तरह आपने अगर कभी ग्रिसलिन यूज़ की हो तो जिस तरह के ग्रिसलिन के रिज़ल्ट होते हैं ना, इस क्रीम के भी वैसे ही रिज़ल्ट हैं। आप इस क्रीम को सिर्फ़ और सिर्फ एज अ मॉइस्चराइज़र के तौर पर ही यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम मैं आपको लगाकर भी दिखा देती हूँ, काफ़ी लाइट है और लगाते ही थोड़ा सा ग्लो आ जाता है। ये क्रीम आप एक महीने से ज़्यादा यूज़ करें या आप इसे 2 महीने यूज़ करें, इसके रिज़ल्ट ऐसे ही मिलेंगे आपको। बट इसकी एक अच्छी बात है कि इस क्रीम के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस क्रीम को मैंने बाय करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे ज़ाया ही किए हैं, और इस क्रीम के प्राइस भी कोई इतने कम नहीं है जो इसे हर कोई ले सकता है। ये क्रीम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, लेकिन क्या पता फ्रेंड्स आप लोगों को इस क्रीम के रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे मिलें, आपके फेस पर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नज़र आए। और इस क्रीम के प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, इस क्रीम के प्राइस थे 900। अब मुझे नहीं पता ये कितने की है, लेकिन जब मैंने इसे बाय किया था तो मैंने इसे 900 की ही ली थी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये था मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे ये क्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आई है, और इससे कोई वाइटनिंग शाइटनिंग नहीं आएगी आपके फेस पर। मैंने आपको जिस तरह बताया ये क्रीम उसी तरह की है बस। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं
एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।